आपको लगता है कि राजीव का नाम लेने के पीछे बुआ का गुस्सा है, लेकिन असल में राजीव का नाम ना लेने के पीछे बुआ का दर्द है। विराट सर, वो दुनिया के लिए पहले ही मूव ऑन कर गई हैं, लेकिन उनका दिल अभी भी वहीं ठहरा हुआ है। मुझे इतना जरूर पता है कि शिवानी बुआ आज भी राजीव से प्यार करती है। मैंने कहा ना, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। सही, मैं हूं विराट। क्या हुआ? मैं भी यही पूछने आई हूं विराट कि क्या हुआ, सब ठीक है? सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। सॉरी अगर मैं तुम्हें परेशान कर रही हूं तो, लेकिन मैंने तुम्हें गुस्से में घर आते हुए देखा था और तुम काफी टेंस लग रहे थे, इसीलिए पूछने आई हूं विराट। आई नो कि तुम्हें ये सब पसंद नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारी और सई की आवाज सुनी थी। तुम लोग लड़ रहे थे शायद, और तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हारा झगड़ा काफी सीरियस था। सॉरी, हमारी आवाज की वजह से तुम्हें डिस्टर्ब हुआ, आगे से ध्यान रखूंगा। डिस्टर्ब तो मैं हूँ विराट, लेकिन तुम्हारी और सई की आवाज सुन के नहीं, तुम्हारी ये हालत देख के मैं तुम्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकती विराट। तुम्हें मेरे बारे में जो सोचना है तुम सोच सकते हो, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा अपना दोस्त माना है और अभी भी मानती हूँ, इसीलिए मैं पूछने आई हूँ कि हुआ क्या है, तुम प्लीज मुझे बताओ। विराट, हम पहले भी तो एक दूसरे से बातें शेयर करते थे ना, और तुम्हें तो कहा था कि एक दोस्त होने के नाते हम एक दूसरे से कुछ भी शेयर कर सकते हैं, इसीलिए प्लीज बताओ मुझे, बोलो कि हुआ क्या है। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो और ये खाना खा लो। मुझे पता है तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। हाँ हाँ विराट, मुझे पता है तुम यही बोलोगे कि पाखी मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं खाना है, लेकिन मैं कुछ नहीं सुनने वाली, तुम्हें ये खाना खाना ही पड़ेगा। मैं जानती हूँ विराट कि मैं पहले भी तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, और तुम पहले भी मुझ पर हर बार भड़के हो। अगर आज भी तुम्हें भड़कना है तो इट्स ओके, लेकिन तुम मेरे जाने के बाद ये खाना जरूर खा लेना। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तुमसे, अपनी फ्रेंड की इतनी सी रिक्वेस्ट तो तुम मान ही सकते हो ना, और जो कुछ भी हो लेकिन तुम सही से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। मैं जानती हूँ कि मुझे तुम्हें सही से प्रोटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है विराट। पता नहीं लोगों की फीलिंग्स रोंदने में उसे क्या मजा आता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है और किसी के बारे में नहीं सोचती है, इसीलिए मैं चाहती थी कि तुम सही से दूर रहो, लेकिन अब शायद वो सब मुमकिन नहीं है। विराट, अगर तुम्हें अपने दिल की बात करने के लिए एक दोस्त की जरूरत हो तो मैं तुम्हें हमेशा तुम्हारे पास ही मिलूंगी। पता नहीं क्यों लोग दूसरों के मामले में टांग अड़ाते हैं। आई एम सॉरी विराट अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो तो, लेकिन मेरा सच में ऐसा कोई इरादा नहीं था। एनीवे, यू प्लीज टेक केयर। तुम्हारी नहीं, मैं सही की बात कर रहा था। बहुत गलत किया है सही ने, इनफैक्ट हमेशा करती है। उसे ये एहसास तक नहीं है कि जो वो सही समझ के कर रही है वो एक्चुअली सही है नहीं, और उसकी इसी इग्नोरेंस पे ना मेरा खून खौलता है। पर ये बात समझाने के बाद भी वो अपनी गलती नहीं मानती है। विराट, अब मैं सही के बारे में क्या ही बोलूं, उसके हरकत से तो पूरे घर वाले भी परेशान हैं। वैसे
उसने इस बार ऐसा क्या कर दिया? उसने एक पुराना घाव कुरेदा है और उसे ऐसा लगता है कि वो इस घाव का इलाज कर रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों वो इस बात को नहीं समझ रही है कि कुछ बातें सुलझाई नहीं भुलाई जाती है। उसने इस बार जो किया है ना, अगर घर वालों को पता चला तो पता नहीं क्या करेंगे। नहीं, मैं पूछता हूं कि उसे क्या जरूरत है ये डिसाइड करने की कि किसके लिए क्या सही है क्या नहीं। लेकिन विराट, सही ने किया क्या है वो तो बताओ। अरे वो उस राजीव को मिलने चली गई। राजीव? कौन राजीव? तुम नहीं जानती उसे। विराट, ये राजीव कौन है जिससे सई मिलने गई थी और तुम इस बात से इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? प्लीज बताओ विराट। जाने दो ना पाखी, वैसे भी मुझे गड़े मुर्दे उखाड़ने का शौक नहीं है। वैसे भी मैंने ये मैटर क्लोज कर दिया है तो इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन विराट, दोस्ती में कुछ बातें बेमतलब भी कर लेनी चाहिए। कुछ प्रॉब्लम्स बोलने से भी सॉल्व हो जाती है। और मैं ये नहीं कह रही कि तुम मुझे सब कुछ बताओ, लेकिन जिस तरह से तुमने खुद को पूरी फैमिली से अलग कर लिया है, कम से कम तुम मेरे साथ तो वैसा मत करो। तुम मुझसे बात किया करो विराट, अपनी चीजें शेयर किया करो। तुम सब कुछ अपने दिल में रखोगे तो अपनी ही फीलिंग्स के बोझ तले दब जाओगे। आई एम ऑलवेज देयर विद यू एज अ फ्रेंड। थैंक यू फॉर दैट, लेकिन मुझे राजीव के बारे में कोई बात नहीं करनी है। आखिर ये राजीव कौन है जिससे विराट इतना अफेक्ट हो रहा है? कहानी क्या है इसकी? थैंक यू विराट, मुझे अपना दोस्त समझकर अपनी सारी बातें शेयर करने के लिए। थैंक यू दोस्त के नाते मेरी परवाह करने के लिए। अरे वाह, आप फिर हमारे कमरे में आ गए। मेरे पति के आसपास रहने के लिए तुम कुछ बकवास करो, उससे पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं तुम्हारे पति से नहीं, मैं अपने दोस्त से मिलने आई थी। आई एम श्योर आपने मेरी और अपने दोस्त की आवाजें सुन ली होंगी झगड़ा करते हुए। और सुनेंगी भी क्यों नहीं, आपके कान हमेशा हमारी दीवारों पर चिपके जो रहते। बट डोंट वरी पाकी, मैं आपसे नाराज नहीं। इस वक्त ये मुझे छोड़कर किसी से भी बात करेंगे, अपने दुश्मन से भी। नाराज जो है मुझसे? हाँ हूँ, और तुमने जो किया है ना, अगर घर वालों को पता चला उसके बारे में तो उनका भी खून खौल उठेगा। आखिर तुमने ऐसा क्या कर दिया ऐसे ही? आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपको बताया नहीं? नहीं, और ना ही मैंने ज्यादा जोर दिया। बाय द वे, ये राजीव कौन है? अगर मैंने अभी इसके बारे में कोई बात की तो इस कमरे में जो ये सन्नाटा है ना, तूफान में बदल जाएगा। तो इस बारे में बात ना ही करें तो बेहतर होगा। वैसे भी मैं कमरे में आराम करने के लिए आई थी, सोच रही हूँ बाहर जाके ताजी हवा ले लूँ, क्योंकि इस कमरे में तो मुझे शांति की उम्मीद ही नहीं है। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।